आई लव यू बट ओनली एज अ फ्रेंड, इस लाइन ने बहुत लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। इस लाइन का क्या मतलब है ये आज तक कोई नहीं समझ पाया है, क्योंकि इसके अनेक मतलब हैं। हर कोई अपने हिसाब से, जैसे उसका उल्लू सीधा होता हो वैसे उसका मतलब निकाल लेता है। जितने मुंह उतनी बातें। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि इस लाइन का यूज ज्यादातर अफेयर्स को जन्म देता है। आई सेड ज्यादातर, नॉट इन एवरी केस। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एटसेट्रा एटसेट्रा, क्या अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ सेक्स करना लीगल है या इलीगल है? क्या आपको इसके लिए जेल हो सकती है? सो एज पर लॉ, अगर आप और आपके बेस्ट फ्रेंड दोनों ही अनमैरिड हो एंड दोनों ही लीगल एज क्रॉस कर चुके हो, तो आप दोनों एक दूसरे की सहमति से, एक दूसरे की कंसेंट के साथ सेक्स कर सकते हो, सेक्सुअल रिलेशंस एस्टैब्लिश कर सकते हो, नो रिस्ट्रिक्शन बाय एनी लॉ। बट सेकंड सर्कमस्टांस, अगर आप मैरिड हो किसी और के साथ एंड आपके बेस्ट फ्रेंड मैरिड है किसी और के साथ, या आप दोनों में से कोई एक मैरिड है और आप एक दूसरे के साथ सेक्स करना चाहते हो, देन वो इलीगल है एज पर लॉ। अब इसके लिए भी डिफरेंट रिलीजन्स के डिफरेंट रूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ हिंदू मैरिज एक्ट की, देन अगर आप किसी और के साथ सेक्स करते हो, देन आपके स्पाउस के पास, आपके लीगली वेडेड पार्टनर के पास ये राइट है कि वो आपसे डिवोर्स ले सकते हैं। सो अगर इन सिचुएशंस में आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ सेक्सुअल रिलेशन एस्टैब्लिश करते हो, सेक्स करते हो और बाद में कोई लीगल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, लीगल ट्रबल खड़ा हो जाता है, देन यू शुड कॉन्टैक्ट योर लॉयर इमिजिएटली। सो लीगल हो या इलीगल हो, अफेयर्स, नाजायज संबंध हमेशा इमोरल है। और ये नाजायज संबंध जो होते हैं ना, इनका कभी अंत नहीं होता है। हाँ, कुछ पल के लिए ये आपको खुशियां जरूर देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी मेंटल पीस, आपका पुराना रिलेशन, आपकी हस्ती खेलती जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और आपको पता तक नहीं लगेगा। और हमेशा याद रखना कि ये जो नाजायज संबंध होते हैं ना, इनकी वजह से ही मर्डर और इसके जैसे कई और बड़े अपराध जन्म लेते हैं। दैट्स ऑल।